नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजनी सिंह और आप सबका स्वागत करती हूँ बिलीव इट में। तो विश्वास कीजिए, आपकी लाइफ वैसी होने वाली है जैसी आप चाहते हैं, बिल्कुल वही वाव और वंडरफुल वाली लाइफ। तो चलो शुरू करते हैं एक छोटी से स्टोरी के साथ। ये स्टोरी है एक मॉन्क की, एक मॉन्क, एक साधु की, जो तिब्बत में रहता है और ये बहुत ही साधना कर रहे हैं। ये काफी दिनों से एक पहाड़ पे बैठ के काफी साधना कर रहे हैं। अब पूरे विलेज में, पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि ये जो मॉन्क है, ये जो साधु हैं, इन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है। मतलब इनके पास एक मंत्र आ गया है, अगर वो मंत्र किसी को बता दें तो उसकी लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया होने लगेगा। अब लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ये चीज सुनकर। उनके पास एक व्यक्ति आता है और बोलता है कि साधु महात्मा प्रणाम, मुझे वो मंत्र बता दीजिए जिससे आपको सिद्धि प्राप्त हुई है और वो मंत्र पाकर मैं अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर लूंगा। साधु महात्मा बोलते हैं, नो, ऐसा कोई मंत्र मेरे पास नहीं है, मैं तो बुद्धा जी का शिष्य हूँ और बुद्धा जी के हिसाब से तो बस मन की शांति ही सबसे बड़ी सिद्धि है, तो मेरे पास कोई मंत्र नहीं है। बट लोग थोड़ी ना मानने वाले हैं, उन्होंने इंसिस्ट किया, नहीं प्लीज प्लीज आप मुझे वो मंत्र बताइए ही बताइए। और वो वहीं बैठ जाता है कि बताओ भैया, वरना मैं तो जाने वाला नहीं हूँ यहाँ से। अब वो भी बहुत परेशान, ना वो मेडिटेशन कर पा रहे, ना वो साधना कर पा रहे, और उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उनको बोलते हैं कि ओके चलो मैं तुम्हें बताता हूँ वो मंत्र क्या है। और वो उसको बोलते हैं, ये सिद्ध मंत्र है ओम। वो बोलते हैं, ओम, बस इतना सही? वो बोलते हैं, हाँ, आपको सिर्फ ओम चैंटिंग करनी है और आप जितना ज्यादा करेंगे आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वो बोलते हैं कि ओके। वो बोलते हैं, आप एक कंडीशन जरूर है। वो बोलते हैं, क्या? बोलते हैं, ये ओम मंत्र चैंटिंग करते वक्त, ये मंत्र उच्चारण करते वक्त तुम्हें मंकी के बारे में नहीं सोचना है। वो बोलते हैं, मंकी? मंकी के बारे में मैं क्यों सोचूंगा, मेरा कोई मंकी फेवरेट भी नहीं है, मैं क्यों मंकी के बारे में सोचूंगा। वो बोलते हैं, ठीक है, और वो चला जाता है। और उसके माइंड में आता है, भैया मैं तो ये मंत्र चैंट करके सबसे पहले सिद्धि प्राप्त करता हूँ और उसके बाद जो भी मेरे लाइफ में होगा वो सब कुछ मुझे फटाफट मिल जाएगा। और वो जाके पहाड़ पे बैठ जाता है और उसी तरीके से साधना करना शुरू करता है और बोलता है, ओम ओम मंकी, ओम ओम मंकी, ओम ओम मंकी। और जब वो एंड तक जाता है तब तो उसे पता चलता है कि वो क्या चैंट कर रहा था, ओम ओम मंकी। बोलते, अरे ये मंकी कहाँ से बीच में आ गया, मुझे तो ओम चैंटिंग करनी थी ना। बोलते, ओहो चलो चलो भूल जाओ, मंकी को बोलो, मंकी को याद नहीं करना है, मंकी को याद नहीं करना। अब वो बोलता है, फिर से स्टार्ट करता है, ओम मंकी, ओम मंकी, ओम मंकी। फिर वो एंड तक जाते हुए बोलते हैं, अरे मैं ये क्या चैंट कर रहा था, ओम मंकी, अरे मुझे मंकी को याद नहीं करना है, मुझे मंकी को याद नहीं करना है। वो सोचता है, हो सकता है उसके दिमाग में मंकी आ गया हो, मैं घर जाता हूँ आराम से नहा वहा के ईश्वर के सामने बैठकर और फिर मैं मंत्र चैंट करूंगा। वो घर जाता है, नहाना शुरू करता है, नहा लेता है अच्छे से। जैसे ही वो बाथरूम खोल के निकलता है उसे दिखाई देता है कि उसके घर में मंकी ही मंकी है। और वो बोलता है अपनी वाइफ से, ये क्या है, मंकी क्यों भर रखे हैं घर में। उसकी वाइफ बोलती है, तुम्हें क्या हो गया है, कहाँ है मंकी। और वो मंकी वैनिश हो जाते हैं। वो बोलता है, यार ये क्या हो रहा है, मुझे मंकी को याद नहीं करना है। और वो ईश्वर के सामने बैठता है और फिर बोलता है, मंकी 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 मंकी। और वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है इस बात से कि वो मंकी नहीं याद करना चाहता है, फिर भी वो मंकी याद कर रहा है। और उसके बाद वो सीधा उन महात्मा के पास जाता है और बोलता है, आप ऐसा कीजिए, ये जो सिद्ध मंत्र है ये आप ले लीजिए, बिकॉज मैं इसकी चैंटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, और अगले जन्म में आप मुझे ये मंत्र दे दीजिएगा। वो बोलते हैं, इट्स ओके। तो आपने क्या समझा इस स्टोरी से? हमारी लाइफ में हम जो शब्द बोलते हैं, जो भी हम शब्द बोलते हैं, वो क्या है, एनर्जी। हम क्या हैं, एनर्जी। जब ये हमारी एनर्जी इस यूनिवर्स, इस संसार की एनर्जी से मिलते हैं, तो जो हमारी एनर्जी बाहर जा रही है वही हमारे पास आ रही है। अब वो आदमी बोल रहा था मंकी मंकी मंकी, ना कि ओम ओम ओम।
हमारी लाइफ में भी हम मंकी ही बोलते रहते हैं, मंकी मंकी मंकी। कैसे? हम बोलते हैं मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, मुझे इस इंसान के बारे में नहीं सोचना है, मुझे इस इंसान के बारे में नहीं सोचना है। तो हम क्या करें? वी आर थिंकिंग अबाउट द मंकी। हम सिर्फ मंकी के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इसका लॉजिक आप को अच्छे से, मैंने अभी जब से मैं आपको सिखाना शुरू हुई हूं तब से मैंने आपको यही बताया, कॉन्शियस माइंड कह रहा है कि मुझे ये नहीं सोचना है। कॉन्शियस माइंड डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि क्या सही है क्या गलत है, बट सब कॉन्शियस माइंड हाँ या नहीं, नेगेटिव या पॉजिटिव, इन सब में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। तो आप कॉन्शियसली सोच रहे हो कि मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। कॉन्शियस माइंड इस नहीं को जानता है, बट सब कॉन्शियस माइंड इस नहीं को नहीं जानता है। वो सिर्फ दिया क्या लेगा, हैबिट बनाएगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव, गुस्सा 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 गुस्सा, इसके बारे में नहीं सोचना है, इसके बारे में ही सोचना है। समझ रहे हैं आप? ये चीजें साइंटिफिकली प्रूफ हो चुकी हैं, तो प्लीज ध्यान दो इस चीज पे। और क्या करना है, अब ये भी देखते हैं हम करना क्या है। हमें करना है, अगर मैंने बोला मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, इसको रिवर्स करना है, इसको उल्टा करना है, मुझे पॉजिटिव सोचना है, मुझे पॉजिटिव सोचना है, मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, मुझे शांति नहीं मिलती, मुझे बहुत गुस्सा आता रहता है, मैं क्या करूँ, चेंज। मैं लव हूँ, मैं हर चीज से प्यार करता हूँ, मेरे अंदर सिर्फ प्यार है, आई एम पीसफुल, आई एम वंडरफुल, आई एम हैप्पी। अगर आप बोलते रहते हैं यार मैं सैड हो जाता हूँ किसी भी बात में, बहुत जल्दी बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, चेंज करो, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट। जो चाहिए आपको लाइफ में आपको वो बोलना है, ना कि ये मुझे नहीं चाहिए। फोकस ऑन वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ, वही शब्द वही एनर्जी आपको अपने शब्दों से निकालनी है, ताकि यूनिवर्स में वो एनर्जी जाए और वही आपको वापस दे। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस चाहिए आपको, पीसफुलनेस चाहिए आपको, कॉन्फिडेंस चाहिए, ठीक है ना। तो जो चीजें आपको चाहिए लाइफ में वो बोलना शुरू करो, मुझे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ये जॉब कर रहा हूँ, मुझे मैं एक पीसफुल सोल हूँ, ये बोलना है आपको, ना कि मेरे को ये नहीं चाहिए, नहीं बोलना है। बस सिंपल सी बात है, आप अपने शब्दों को बदल कर अपनी लाइफ बदल सकते हो, अपनी लाइफ को वो बना सकते हो जो आपको चाहिए। यही तो मैं बोलती हूँ, जैसी लाइफ चाहिए आपको आप वैसी लाइफ पा सकते हो, सिर्फ अपने थॉट्स, अपनी एनर्जी, अपने शब्दों को बदलो और वो लाइफ पालो जो आपको चाहिए। तो बस चेंज करो अपने थॉट्स को और मस्त रहो। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय बाय।